लेकिन बंसल साहब आपको ध्यान होगा वॉर रूम इन्होंने बिहार में भी बनाया था, बिहार के चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश में भी वॉर रूम इनके पास था, लेकिन उस वॉर रूम का कोई खास फायदा हुआ नहीं। हरियाणा में कितना फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीर कुमार यादव जी, पिछले एक डेढ़ महीने से और खासतौर से जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, हरियाणा में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, उसके बाद से गठबंधन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, गठबंधन पर लगातार आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, कई बार तेज कई बार धीमे, लेकिन गठबंधन दांव पर है, गठबंधन को लेकर किचकिच हो रही है, ये बात सबके जहन में है, सब समझ रहे हैं। क्या बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है या बीजेपी गठबंधन धर्म चुनाव तक निभाएगी, क्या स्थिति है सर? देखिए, लोकतंत्र में मतदाताओं का जो जनादेश है उसका हम सब सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप और सांसदों ने रोहतक में बैठकर एक हमने समीक्षा की कि हम गठबंधन की 3 सीट क्यों हारे, उसमें एक भाजपा कोटे की थी और 2 जो है हजका कोटे की थी। देखिए, हमारा विचार ये है कि हम चाहते हैं कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी बेदखल हो, और वो तब होगी जब मतदाताओं का जनादेश हमें मिलेगा। अगर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे नहीं, अगर हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो हम कांग्रेस को रिप्लेस कैसे करेंगे? इसलिए हमारा कहना केवल और केवल इतना था कि गठबंधन है और रहेगा, लेकिन अगर गठबंधन के प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हो विचार करना चाहिए। विषय यह नहीं कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट चुनाव लड़े, विषय यह नहीं कि गठबंधन का सीएम कौन हो, विषय यह है कि गठबंधन जीते कैसे। अगर हमारे प्रत्याशी, आज हमने मान लिया, देखिए लोकतंत्र में मतदाताओं का जो निर्णय वो सर्वोपरि होता है, और इस बार जिस प्रकार से 18 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे सहयोगी दल मात्र 7 सीट पर वो 1 नंबर पर आ पाए, 4 पर 2 पर रहे, भाजपा जो है वो 72 में से 52 पर 1 नंबर पर और 12 पर 2 नंबर पर रहे। तो हमारा मानना ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हजका ज्यादा विधानसभा लड़े या भाजपा ज्यादा लड़े, महत्वपूर्ण ये है कि गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल कैसे कर सके। एक तो ये हमने यानी हमने जो मंथन किया और वो सारा विषय हमने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। हम चाहते हैं हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो। वीर कुमार जी, ये बात सही है, कांग्रेस के सफाये के लिए कुछ वीर कुमार जी ये बात बिल्कुल सही है कि जो सारा विषय है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा गया है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि बड़ी तादाद में आपकी पार्टी के भीतर 60-70% नेता, उनकी राय ऐसी है कि वो गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, और उनकी राय जब सामने आई है मीडिया में, बाकी सार्वजनिक जगहों पर, तभी इस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रहे हैं हमारे साथ धर्मपाल मलिक साहब, जुड़ चुके हैं, हजका के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है धर्मपाल मलिक साहब, और बीजेपी हजका कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं, और बैठकों में ये भविष्य तय होना है कि आगे क्या होगा। मलिक साहब, आपने मीडिया से आज बातचीत की है और बड़े साफ शब्दों में आपने ये कहा है कि जो भी गठबंधन को तोड़ेगा जनता उसे सबक सिखाएगी। आपने ये भी कहा है कि अगर ये गठबंधन चुनाव लड़ता है तो अच्छी जीत मिलेगी, 60-65 सीटें आपको प्रदेश में मिलती दिखाई देती है, ऐसा आपने दावा किया है। लेकिन जो बयान प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन पर किचकिच हो रही है, आपको लगता है कि ये गठबंधन कायम रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई खास बात नहीं है, सभी लोग जो हैं सबका एक जैसा सोच नहीं होता, ये बातें चलती रहती है। गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। ये कोई ये ज्यादा जो है ये सवाल जवाबों में इधर से उधर बात करने में बात आ जाती है, वरना कोई कोई खास बात नहीं। आपने अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा 60-70%, आपने परसेंटेज कैसे निकाल दीजिए कितने परसेंट लोग में है, कितने परसेंट? क्योंकि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मलिक साहब ऐसी ही राय रख रहे हैं। ये देखिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसका ना सिर हो ना पैर हो। आपने 60-70% बात कह दी, 60-70%। आप अपने चैनल के नजरिए से सवाल ना पूछा करें, आप पब्लिक के। मलिक साहब, हम कोई बात बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये होता कि आपने अपने सहयोगी बीजेपी के नेताओं को ये नसीहत दी होती। आपने अश्विनी कुमार मिन्ना का बयान सुना होगा मलिक साहब, आपने अश्विनी कुमार मिन्ना का बयान सुना होगा, आपने कल इसी चैनल पर सूरजपाल अम्मू की राय सुनी होगी, आप अनिल विज की राय से वाकिफ होंगे, इसके अलावा तमाम और नेता है जिनकी राय से आप वाकिफ होंगे, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं मलिक साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा,
बीजेपी के जो नेता कहते हैं कि बदली परिस्थितियों में हम चीजों का नया आकलन कर रहे हैं, ये बदली परिस्थितियों का आकलन कब तक होगा, ये क्या आप बता सकते हैं? मेरी बात सुनिए, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बातें इधर उधर की छोटी मोटी होती रहती हैं जी। हरेक राजनीतिक आदमी को अपने हिसाब से बात कहने की बात इतनी है, इसको सुना खींचने की कोई बात नहीं है। इससे आगे मैं कोई खास बात करना चाहता हूँ। क्या सीटों का जो फॉर्मूला है 45-45 का मलिक साहब, वो बदल सकता है? मलिक साहब, क्या सीटों का फॉर्मूला बदल सकता है? ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ नहीं है, दोबारा साहब आएंगे आपके पास। हम जरा जल्दी से जेटली साहब का कमेंट लेना चाहते हैं। जेटली साहब, क्या गठबंधन की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? धर्मपाल मलिक साहब ने एक बार फिर से मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, बजाय इसके कि वो अपने सहयोगी बीजेपी के नेताओं से निवेदन करते, उनसे गुजारिश करते कि साहब इस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं जिसकी सफाई हमें देनी पड़ती है। देखिए मलिक साहब, ये जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि एक ऐसे राजनीतिक दल भी था जिसके साथ इनका गठबंधन किन मजबूरियों से था वो इन्हीं के नेता जानते होंगे। लेकिन मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि उस राजनीतिक पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी है, कुछ इनमें ऐसा माहौल बन गया है जिसकी वजह से इनके जो कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे आप कितना बढ़ा हुआ है। इनको ऐसा लगता है जिस तरीके से मंत्री पद दिए गए, केंद्र सरकार ने मंत्री पद दिए, एमओएस बनाए, मिनिस्टर बनाए, इनको ऐसा लगता है वही अब इनको मुख्यमंत्री भी बनाने लगे हैं जी। क्योंकि आज 15-15 इनके मुख्यमंत्री निकल कर आ गए हैं, वो ऐसा डिमांड, ऐसा लगता है कि वो डिमांड कर रहे हो प्रधानमंत्री से कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। और ये भूल जाते हैं बार बार कि उससे पहले चुनाव भी होने हैं, उस चुनाव में इनको कंटेस्ट भी करना है जिसमें इनका वजूद नहीं है। तो मुझे एक बहुत हैरानी होती है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका जो आधारहीन हो चुका है, और एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका कोई अपना बेस नहीं है, सिर्फ इस बात पर क्योंकि उन्होंने लोकसभा का मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता था, उस बेस पर वो 15-15 मुख्यमंत्री निकालकर बाहर लेके आ रहा है। तो इस तरीके की परिस्थितियों में इनका गठबंधन रहता है या नहीं रहता, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल अगर देखा जाए जमीनी रूप में, जमीनी हकीकत देखी जाए, तो दोनों ही दलों का खात्मा हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, दुआ साहब, गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? बीजेपी की तरफ से भी वीर कुमार यादव जी ने भी अभी कहा कि केंद्र तय करेगा, ये सही बात है, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। धर्मपाल मलिक साहब भी अभी यही बात कह रहे हैं उसूलन सैद्धांतिक तौर पर कि गठबंधन है और हम इस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है, बीजेपी जब ये कहती है कि परिस्थितियां बदली हैं, इस बदली परिस्थितियों में हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, ये समीक्षा कहाँ जाएगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदलेगा वगैरह वगैरह, कुल मिलाकर क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, हरियाणा की जनता इसको, इनके गठबंधन की जो बातें चल रही हैं, इसको इस तरह से देखती है कि दो लोग बंद मुट्ठी करके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों की मुट्ठी बंद है। इन्होंने, आप थोड़ा सा पीछे, मैं ऐसा अपने मित्रों को ले जाता हूँ, जब इनका सेटलमेंट हुआ था 8-2 का फॉर्मूला लोकसभा के लिए, 45-45 का विधानसभा के लिए जी। इन्होंने मैच इस तरह से बीजेपी ने गेम खेला, जिस तरह से ये इनका सब्जेक्ट सब तरफ है, जहाँ भी ये अलायंस पार्टनर बनाते हैं अपने, बीजेडी में देखिए, जेडीयू में, उड़ीसा में देखिए, बिहार में देखिए, वो समझ गए और उन्होंने इनसे नाता तोड़ दिया। हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं था, इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ ही शुरू किया। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ किया, चाहे रेवाड़ी रैली में उसके साथ सलूक किया हो, सीट बंटवारे में किया हो, कभी करनाल सीट देते थे, कभी दूसरी सीट देते थे, फिर उनको सिरसा सीट दी, फिर अपना अलायंस पार्टनर दूसरे अकाली दल को लाके दूसरे दल की मदद करवाई, उनको हरवाया और इस पोजीशन में ले आए कि अब ये डिक्टेट करना चाहते हैं टर्म्स। तो आई थिंक कुलदीप बिश्नोई जी भी ये समझ गए हैं और एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। इनके नेता विपक्ष अनिल विज जी कुछ कहते हैं, प्रदेश प्रभारी कुछ कहते हैं, स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट कुछ और कहते हैं, एमपी कुछ और कहते हैं, तो मतलब इतना कन्फ्यूजन इनका आपस में, स्टेट लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं रखते हैं ये लोग। तो आई थिंक हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और विधानसभा चुनाव में इनको अच्छे से। कुमार जी से फाइनल कमेंट ले, इससे पहले हम बंसल साहब से जानना चाहते हैं, बंसल साहब आपका तजुर्बा क्या बताता है, इस गठबंधन का भविष्य क्या होने जा रहा है? जिस तरह की चर्चाएं पिछले 1-1.5 महीने से चल रही हैं, कभी कहा जाता है कि परिस्थितियां बदली हैं, हम समीक्षा करेंगे, वो समीक्षा कैसी निकलेगी, क्या वो समीक्षा फिर हजका के नेताओं को, उनके अध्यक्ष को पसंद आएगी नहीं आएगी, तमाम ऐसी बातें हैं। अभी गठबंधन चल रहा है ये बिल्कुल सही है, अभी ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं, आलाकमान तय करेगा, ये भी सही है, मलिक साहब जो बात कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन सब में दिखाई यही दे रहा है कि गठबंधन
कहीं फंसा हुआ है, इसकी गांठ जो है जो मजबूत दिखाई दे रही है वो कभी भी खुल सकती है। आपका आपका तजुर्बा क्या बता रहा है बंसल साहब? मुझे लगता है गठबंधन हजका और भाजपा में एक मजबूरी का गठबंधन है। अब सच्चाई यह है कि भाजपा का हरियाणा में कोई वजूद नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से, और वो वजूद लगभग इस चुनाव से तो वो काफी उत्साहित है। इस चुनाव से ये चुनाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये चुनाव मोदी लहर की वजह से जीते हैं, और इस चुनाव के अंदर जो दो सीटें जो हजका को दी गई थी, दोनों सीटों से हारना उसके लिए एक बहुत बड़ा मौत का सबब बन गया, और यही वजह है कि बीजेपी का हौसला बुलंद हो गया और उसका हौसला आज चूरम चूर है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गठबंधन जारी रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा या गठबंधन आगे कोई गुल खिलाएगा, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आता। ये मैं फिर कहता हूँ, ये वक्त बताएगा। अभी दो महीने हैं और इस दो महीनों के बीच ये जो आज जो बीजेपी के अंदर बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, 10-10, 12-12, 15-15 मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उनका काम करने का अंदाज है, मंत्रियों को अपने अपने विभागों को 100 दिन का अल्टीमेटम देना, उनको अपना काम कराना, सांसदों को कहना कि अपने वो क्षेत्र में जाकर काम करें, और जिस तरह से वो एक देश की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोच में मुझे नहीं लगता कि अभी जो नए नए नेता बीजेपी में हरियाणा में खड़े हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कोई आवाज उठा पाएंगे, कोई आवाज उठा पाएंगे। वीर कुमार जी, क्या ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है और बीजेपी इस मजबूरी से निकलने का रास्ता खोज रही है? देखिए, पहले तो मैं थोड़े, हमारे दो मित्र आपके पास बैठे हैं जो यानी पार्टी की दमदार की बात कर रहे हैं। पहली बार पार्लियामेंट के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी के 3-3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, और जो हमारे मित्र जेटली जी कह रहे हैं उनके भी 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अब ये लोकतंत्र में मतदाताओं के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इनका वजूद नहीं है, हमें 72 में से लोगों ने 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त दे दी, और ये सिमट कर रहे हैं जो पहले 32 सीट जीती थी आज वो मात्र 15 पर सिमट गए, जो 40 सीट जीते थे आज मात्र 16 पर सिमट गए। हमें कहते हैं ये उसके लिए कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले क्षेत्र में। वीर कुमार जी, जो बात आप कह रहे हो उससे ये कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की जीत थी। प्रकाश सिंह बादल तो ही, राजीव जी प्लीज, प्रकाश सिंह बादल तो हिसार के साथ कुरुक्षेत्र में भी आए थे, तो कुरुक्षेत्र में प्रकाश सिंह बादल आने के बावजूद कैसे जीत गए? प्रकाश सिंह बादल और उनका डिप्टी जो सीएम है वो तो करनाल में भी आए थे, उनसे हम कहते प्रकाश सिंह बादल से हरवा दिया। मतलब मैं ताजुब है कि मतदाताओं के विवेक पर जो कांग्रेस के मित्र और बाकी दल जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हरियाणा का मतदाता जागरूक है और वो इन सब बातों को समझ रहा है कि सबको देखा है, सबको परखा है, और इस बार उन्होंने मन बनाया है कि कौन सा दल कौन सी पार्टी। और देखिए, जहां तक 15 सीएम की बात कर रहे हैं, आधे मिनट में बात कर रहे हैं, दलों में हिम्मत कहां है? ये जो बार बार मतदाता के विवेक की बात कर रहे हो, भ्रमित की बात कर रहे हैं, मैं खाली एक बात कहना चाहूंगा संक्षेप में कि मेरे जैसे एजुकेटेड लोग, यंग लोग, जो हम ये चाहते हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं हो, और मोदी जी एक मुद्दा लेके गए जनता के बीच में, क्रिमिनल एलिमेंट्स को एमपीज को नहीं देंगे, उनको नहीं आने देंगे। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट बनाई, पहला उनका डिसीजन कि उनके कैबिनेट में 30% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 18% ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। वो बहस बढ़ जाएगी फिर हम केंद्रीय परिपेक्ष में जब कभी बात करेंगे, तो जनता इस बात को जानेगी और आगे 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 भी इसका जवाब देगी। तब हम ये बताएं किसने मतदाताओं ने जिताया ना जी। ठीक है, ठीक है। वीर कुमार यादव जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंडीगढ़ से लगातार बने रहने के लिए। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, कई सियासी दांव अभी सामने आने बाकी हैं। हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा या फिर ये मजबूरी जल्दी ही दोनों तरफ से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम कैसे और किस तरह आगे बढ़ेगा, इसके क्या नतीजे आएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।